सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्यू एन ए सेशन। ये है सेशन नंबर 35 आई थिंक सो। और जैसा कि हर बार होता है, मैं भूल जाता हूँ, इस बार भी मैं भूल गया। मैं हर बार सोचता हूँ कि अगली वीडियो में जो है ना, मैं देख लूँगा पहले और फिर बोलूँगा, पर अपना तो ऐसे ही ना यार, मतलब बिना स्क्रिप्ट के बस वीडियो कैमरा लगाया और चालू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टेरिस पर बैठा हूँ। आज का संडे मेरा बहुत मस्त रहा। आप लोगों का कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अभी बारिश जो है जस्ट बंद ही हुई है, मतलब 10 मिनट हुए होंगे बंद हुए बारिश को। तो इधर पीछे ही अपना ऑफिस है, यहाँ से बाहर निकल के टेरिस पे आया हूँ और मैंने सोचा कि टेरिस पे बैठ के आज शूट करते हैं। परसों या नरसों मैंने नहीं, 3-4 दिनों पर कौन सी वो वीडियो बनाई थी पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर वाली, टेरिस पे खड़े रह के, तो उस पर बहुत सारे मतलब ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि यार हाँ ये अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, उस पर शूट करो। तो मैंने सोचा कि आज इस पर शूट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रोमेश भाई का। रोमेश भाई बोलते हैं, हेलो ब्रो, आप कोई गाड़ी लॉन्च इवेंट में क्यों नहीं जाते हो? तो देखो, ऐसा है कि लॉन्च इवेंट पर अगर आपके पास में इन्विटेशन आता है तो ये आप जाके जो है अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज आप अटेंड नहीं कर सकते हो। तो अभी अपने इतने सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है कि अपने को लॉन्च इवेंट पर इन्वाइट करें। मे बी आप लोग सपोर्ट करते जाओ, सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ जाएंगे, तो ऑफकोर्स जाना मिलेगा और आप लोगों को वहाँ पे लाइव जो इवेंट है वहाँ के सारे अपडेट्स दे पाऊँगा मैं। अशोक शर्मा, हाय आयुष, कैसे हो? मैंने स्लीपर क्लच का वीडियो ढूंढा पर मिला नहीं, लिंक दे देना। ठीक है अशोक भाई, मैं काम करूँगा, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसी के नीचे रिप्लाई में वो लिंक डाल दूंगा याद से। और अगर कभी भूल जाऊँ डालने का तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना इंस्टा वगैरह पे, गाय पे, फेसबुक पे, तो मैं वहाँ आपको जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है पंकज भाई, ये बोलते हैं, हे आयुष भाई, कैसे हो? NS 200 का अपडेट कब आएगा? मैं वेट कर रहा हूँ, वेट मैं भी कर रहा हूँ NS 160 का और NS 200 का अपडेट का। ऑल द वे मुझे ऐसा लगता है कि जो बजाज है वो अपनी पल्सर सीरीज का सारा BS6 का अपडेट 2020 में ही देने वाली है इस साल, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरी 2020 की ही है। नदाकर मोहसिन भाई, कैसे हो? मुझे 250 cc में बाइक लेनी है पिलियन कंफर्ट के साथ, क्योंकि मॉम को लेकर भी जाना होता है और मैं मुंबई से हूँ तो यहाँ पर रोड्स भी ख़राब है। मेरे पास अभी जिक्सर ऐसे 150 है एंड अपग्रेड करना है उसे, मेरी चॉइस है। मैं RS 200 जिक्सर SF 250 CBR 250R मुझे फेयरिंग वाली बाइक ही लेना है बिकॉज आई लव फेयरिंग बाइक। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही के क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट Q&A भी करा था, क्योंकि उसमें भी शायद कमेंट कुछ ऐसी थी कि मॉम को लेके जाना है, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि आपका करा था। ऑल द वे जो भी है, 200 cc से 250 cc में अगर आपको बाइक चाहिए और फुल फेयरिंग बाइक ही चाहिए तो देखो, RS 200 का जो पिलियन कंफर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, CBR 250R का भी इतना अच्छा नहीं है, जिक्सर SF 250 बसती उसका पिलियन कंफर्ट ठीक है इन दोनों बाइक से, पर चक्कर ये है कि वो बहुत हाइट पे अवेलेबल है, तो अगर आपकी मम्मा कंफर्टेबली उसके ऊपर बैठ पाते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी इन तीनों ही बाइक का पिलियन कंफर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो और तीनों में से एक चूज़ करनी है तो जिक्सर SF 250। संतोष अपू, हाय आयुष, हाउ Is Hero X Plus T? What is your opinion on it? It's solid build quality. How much mileage can we expect from it? तो भाई ऐसा है कि देखो, हर कंपनी की एक अपनी रेंज होती है कि उस रेंज के अंदर वो एक अच्छी बाइक बना सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हीरो की सिर्फ 125 cc, 110 cc, 100 cc की ही बाइक्स ऐसी है जिनको लेने में मतलब ठीक है, आप उनको ले सकते हो, वो वैल्यू फॉर मनी रहती है, उनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी आ जाती है। ये जैसे एक्स प्लस टी है या जो भी दूसरी 200 cc की एक्सट्रीम वगैरह हैं, इन सभी बाइक्स को लेना से मुझे जो है इतना मैं रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ यार, मतलब मन नहीं होता है मेरा अंदर से कि मैं आपको बोलूँ कि इसके ऊपर आप इतना पैसा जो है स्पेंड करो। पर चक्कर ये ना कि यही ऐसी बाइक्स अवेलेबल है इस बजट के अंदर के जो आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वगैरह थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर देती है, तो बेटर यही है कि अगर आपको इसकी नीड नहीं हो तो इसका अल्टरनेट ढूंढ लो किसी और कंपनी से, और अदरवाइज़ अगर लेनी ही है तो फिर आप ले सकते हो, बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है नॉर्मल है। चक्कर ये कि इनकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है, और साथ ही साथ इन गाड़ियों में जो है अगर काम आता है कहीं पर तो इनके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होते नहीं हैं, तो ये इशू जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। बंगाली बॉय प्रियांक मंदाल, भाई बाइक खरीदने वाला हूँ इधर, FZS V3 हॉर्नेट XBET, आप अगर इनमें से कोई बाइक लेते तो प्लीज़ इन सभी बाइक्स का कौन सा कलर अच्छी लगती है आप बता दो तीनों को ही। मैं देखो, मेरा तो ब्लैक कलर फेवरेट है, या मैट कलर की अगर मैट फिनिश में अगर कोई चीज़ मिल जाती तो मैं वो प्रेफर कर लेता हूँ। कोई भी चीज़ हो, मतलब गाड़ी, कार हो, बाइक हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ग्रे या ब्लैक, ये दो ही मेरे पास में ऑप्शंस रहते हैं।
तो मैं तो यही सिलेक्ट करता हूँ, और इन तीनों बाइक्स में से मुझे सिलेक्ट करनी होती तो हॉर्नेट में, हॉर्नेट जो है वो सिलेक्ट नहीं करता मैं, क्योंकि उसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती मेरे को, बार बार वो वाइट वाइट सी हो जाती है और उसमें फिर पॉलिश करवाओ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने सेल कर दी, वो यूज़ कर रहा है, उसने 1.5-2 साल चलाई है। फिर एक्सब्लेड है, तो ये अच्छी बाइक है जिनकी अगर हाइट अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो एक्सब्लेड उन पर अच्छी लगती है। मैं SZS लेता, मुझे SZS डिसेंट लगती है इन तीनों में से। हाँ, अकुल चड्डा भाई, बारिश में नेकेड डिस्पोज भाई बहुत गंदी हो जाती है यार। बिल्कुल सही, मैं दिल की बात बोल दिया तुमने। हाँ, पीछे के टायर से सारा शॉकर तक गंदा होता है भाई, इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है इसका। मतलब बस साफ करो या लेके मत जाओ, बाइक को मत निकालो, स्कूटर लेके जाओ। मैं मतलब पता है आपको क्या करता हूँ, मेरे को अगर कोई घर पे बोल देता है कि यार तू बाइक लेके चले जा, मेरे को तो स्कूटर दे दे, ना बारिश में नहीं हो पाएगा। बारिश में अपन लेके जाते हैं अपनी एक्टिवा या एक्सेस, अरे नहीं जमता यार, पूरे पैर गंदे हो जाते हैं और गंदा गंदा। आई डोंट लाइक सिली बिहेवियर। तो अपन सबसे अच्छा अपने स्कूटर से जाओ अगर आसपास कहीं जाना है तो, नहीं तो कार लेके चले जाओ। पर क्या होता है ना कि यार सिटी में जहाँ 2 किलोमीटर जाना है वहाँ पे कार लेके जाओ तो 1 घंटा लग जाता है, वहीं अपन सोचते हैं कि स्कूटर से या बाइक से चले जाओगे तो 5 मिनट में काम हो जाएगा, तो क्या मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम ये वो 17 लफड़े। अंकित शर्मा भाई, स्कूटर के लिए एसेसरीज लोकल मार्केट से लेना चाहिए या फिर कंपनी से, लाइक क्रैश गार्ड, फुटरेस्ट, नंबर प्लेट वगैरह? लोकल मार्केट से ले सकते हो यार, कई बार क्या है ना कि जो ये कंपनी की, जो कंपनी की तो खैर आती नहीं है, देखो पहली बात तो शोरूम वाले ही रखते हैं कहीं ना कहीं से मंगवा के, तो वो कॉस्टली जो है सेल करते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की कहीं बाहर से मिल रही है तो आप ले सकते हो। अभी हाल ही में मेरी जो सिल्वर वाली पुरानी जो एक्टिव है उसके अंदर क्या पता नहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ी करके और उसको चले गए थे, तो उन्होंने क्या पीछे से तोड़ के और उसको इधर उधर घसकाई होगी, तो वो टूट गई थी। तो फिर मैंने सर्च करा और फिर मैंने बाहर से ही लगवाई, तो मेरे को कुछ भी 400-450 रुपये का डिफरेंस आया। तो बाहर से अगर आप ढूंढ के लगवाना चाहो अच्छी क्वालिटी की तो लगवा सकते हो अगर आपको मिल रही है तो। निशान कानवा, हेलो भाई, आपने पार्श्वनाथ हिल के बारे में सुना है क्या? हाँ सुना है, मैं आ चुका हूँ वहाँ पे, अपने सीकर जी जाते हैं तो पार्श्वनाथ एक्सप्रेस और पार्श्वनाथ स्टेशन आता है। अच्छा, ये लास्ट क्यों आने वाला सीन है कि हमें जो पढ़ नहीं पाया था ये पार्श्वनाथ। अच्छा, क्या आपने और कुछ लिखा था? पता नहीं, शायद पार्श्वनाथ लिखा होता तो मैं पढ़ लेता। ये झारखंड में और टाउन में इस है, आपके कास्ट के लोग बहुत आते हैं और सभी भी जाते हैं, तो आप भी कभी आइए और अपने वीडियो में मैप भी सर्च करिए और देखिए, और नेक्स्ट ट्रिप आपका कहाँ है? तो देखो, नेक्स्ट ट्रिप तो अभी मैं दिवाली पे सोच रहा हूँ कि दिवाली पे जो है छुट्टियाँ बन रही है तो निकल जाएँ, पर ऐसा है कि फैमिली में जैसे ब्रदर सिस्टर्स हम लोगों का क्या रहता है कि हम लोग प्लान बना लेते हैं कहीं का भी, तो अभी साल भर हो गया है हम लोगों ने कहीं ऐसे प्लान नहीं बनाया, तो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि साथ में चलेंगे, और हमारे भाई बहनों का भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग प्लान बना ले, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो अभी जाके आया हूँ, तो वो वाला सीन है। देखो, जहाँ का भी बनता है आप लोगों को तो पता चल ही जाना है, दिवाली से पहले कोई अभी टूर नहीं है। मे बी अहमदाबाद शायद मैं आ सकता हूँ विद इन अ वीक, शायद, हाँ कंफर्म नहीं है अहमदाबाद का भी, पर अगर आऊँगा तो अहमदाबाद में आपको इंस्टा स्टोरी पे बता दूंगा। संदीप सेन, हाय आयुष भाई, BS6 इंजन का पोल्यूशन टेस्ट कराना मैंडेटरी है क्या? और अगर नहीं तो क्या हम BS3 कंप्लाइंट इंजन को एक्सचेंज कर करें क्या? BS6 ला सकते हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, पॉल्यूशन टेस्ट तो हर गाड़ी का होता है, BS6 का करवाना, BS4 का ऐसा कुछ नहीं, वो POC वगैरह आप उसका अगर पूछ रहे हो तो अलग चीज़ हो जाती है, वो तो इंश्योरेंस अगर आप जैसे हर साल रिन्यू करवाते हो तो उसके साथ साल भर का बन जाता है, तो वो बात होती है, और बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर अब चेक होती है POC वगैरह सभी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गए रूल्स, तो आपको बनवा के ही रखना चाहिए। और आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो और कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो किसी भी BS3 BS4 इंजन को BS6 के अंदर। डायमीटर बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस का इंश्योरेंस का इमेज क्लिक हुआ बता सकते हैं क्या वैलिड है क्या? नहीं, एक ऐप है डिजी लॉकर करके, वो ऑलरेडी मेरे मोबाइल में है 1.5-2 साल से, तो वो आप बता सकते हैं, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फोटो में कोई पुलिस वाला मान जाएगा, कोई नहीं मानेगा, किसी को वैलिड चाहिए तो वाली बात है, आप फंस सकते हो, वो ऐसा नहीं है कि 100% आप उससे बच जाओगे, कई बार मान जाएंगे कई बार नहीं मानेंगे, तो इससे बेटर यही है कि डिजी लॉकर में अपने सारे जो हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ब्ला इंश्योरेंस वगैरह, RC सभी चीज़ें आप सेव कर सकते हो। पार्थ राठौर भाई, कैसे हो? RS ज़्यादा माइलेज देगी RC 200? मैं अच्छा हूँ पार्थ भाई, आप कैसे हो? और RS ज़्यादा माइलेज देगी, RS ले लो यार, कितने क्वेश्चन पूछ के RS से रिलेटेड लिया हो, तो बस मीठे खिला दो। अवधित शाह,
नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो स्कॉर्पियो कब तक आई? स्कॉर्पियो तो देखो यार नेक्स्ट ईयर ही आने का चल रहा है ऐसा सीन है सुनने में आया। बुलेरो BS6 में बस और गया, उसमें कोई ऐसा कुछ अपडेट नहीं आने वाला, स्कॉर्पियो नहीं आ जाएगी। शयान घोषाल भाई आज कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कैसे हो बता दो, और आपके घर में जिनकी तबीयत ख़राब है वो अब कैसे हैं? लव यू भाई। मैं तो अच्छा हूँ, और जिनकी तबीयत ख़राब है वो अभी भी ICU में है, बट वो अच्छी कंडीशन में है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। चिरंजीत घोष हेलो भाई कैसे हो, संडे को आज क्या किया बताओ। अरे मेरा क्वेश्चन चिरंजीत भाई, देखो आज मैंने क्या करा सुबह, देखो ऐसा है कि एक नया प्लान चल रहा है हम लोगों का, कुछ नया करने की सोच रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, क्योंकि कुछ लोग पुणे से हैं कुछ लोग कहीं और से हैं, तो हम सबको सभी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, तो ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 1:30 बज गई थी हम लोगों को वो मीटिंग में। और बहुत सारी मतलब ऑल द वे मीटिंग अच्छी रही, जैसे ही महीने भर के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाता है किसी नई चीज़ पे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। तो संडे का फिर यही करा, फिर बस फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा एंड दैट्स ऑल, इतना कुछ वो नहीं, बस बारिश रुक गई है अब, तो सोच रहा हूँ कि वीडियो शूट कर लूँ फटाफट, और वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड पे लगा दूंगा, और फिर जाऊँगा एक राइड मार के आऊँगा। मेरे को मतलब दिन भर में अगर मैं कुछ गाड़ी चलाऊँ नहीं ना, मतलब कुछ भी कार बाइक स्कूटर, तो मेरे को फील नहीं आती, अजीब सा लगता है कि यार क्या आज कुछ दिन खाली सा हो गया। इनके क्वेश्चन हैं अब बहुत सारे भाई। पल्सर 125 cc स्प्लिट्स इसके बारे में क्या कुछ बताओ? कुछ नहीं, वही 125 cc का इंजन है, उसके अंदर स्प्लिट सीट दे दी, जैसे UG5 आती है UG4 आती है वाला सीन है, और कोई ऐसा ही नहीं। SP वर्सेस पल्सर, क्योंकि SP में बहुत गेयरबॉक्स प्रॉब्लम है, और बजाज का इंजन कुछ टाइम बाद कुछ और ही साउंड करता है। देखो दोनों चीज़ें जो आपने लिखी है वो वैलिड तभी होगी अगर आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करवाओगे। तो SP मेरे यहाँ है, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे को क्या, मैं तो खैर ज़्यादा चलाते नहीं, मेरे जो भाई चलाते हैं उनको कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। पल्सर है तो पल्सर को तो मतलब चलाए कितने सालों से, चला के थक गए पल्सर को, तो उसकी बस ये है कि टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते रहो, अगर कोई पार्ट्स चेंज करवाने की नौबत आ रही है तो करवा दो, उसको धकाओ मत, तो वो इंजन सही चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू फॉर मनी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए गुड नाइट। अरे गुड नाइट अभी कहाँ से गुड नाइट यार, वैल्यू फॉर मनी लॉन्ग टर्म के लिए, शाइन SP लॉन्ग टर्म के लिए और वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि लिए 125 लेने से मतलब नहीं, 4000 रुपये ज़्यादा देगी, फिर 150 ले लो उसमें ABS भी आ जाएगा, पावर भी ज़्यादा आ जाएगी, और माइलेज का भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। देवाशीष मंडल हाय भाई, यामा SGS V3 हैज एयर कूल्ड इंजन, सो हाउ मच फार वी कैन राइड दिस बाइक नॉन स्टॉप एट द स्पीड ऑफ 60-70 किलोमीटर, ऑल्सो हाउ मच किलोमीटर इन वन डे। भाई योर वीडियोज आर गुड एंड आई एम लर्निंग लर्न सो मच अबाउट ऑटोमोबाइल, आई लव योर वीडियोज एंड ऑटोमोबाइल। थैंक यू सो मच मेरे भाई इतनी तारीफ करने के लिए, और कहीं गलती कर रहा हूँ कभी करी हो ना तो ऐसे बता दिया करो कमेंट में, सिर्फ तारीफ करने की नहीं रखी है। FZ V3 को आप जो है लगभग दिन भर में 300-400 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस वाले बंदों से ही मैंने फीडबैक लिया है। पर चक्कर ये है ना कि आप बाइक को कंटिन्यू में चलाओ, 100-150 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद में आप उसे रोक दो 10-15 मिनट, आप भी जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैक्स टू मैक्स अगर आपके पास में 150 cc की बाइक है ना, तो आपको 100-150 किलोमीटर का ही स्ट्रेच कवर करना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, बाइक को भी थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए, और आपकी भी बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बेटर यही है। और अगर आपके पास में थोड़े से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की बाइक है, क्रूजर बाइक वगैरह है, तो उनसे आप 200-300 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है मार सकते हो एक बार में। पर वो जो मशीन है वो तो चल जाएगी, उनको इशू नहीं आएगा, अपनी जो मशीन है वहाँ इशू आ जाता है, तो थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देने के लिए ही 10-15 मिनट रुक जाना चाहिए, एक कॉफ़ी चाय जो भी आपको लगता है वो ले लेना चाहिए, इसमें फ़ोटो वगैरह सेल्फी के लिए रुक जाए करो, पर हाँ रोड्स पे नहीं, हमेशा साइड में रुकना। विश्वजीत भाई RTR 164V FI BS4 FI V3 BS4 बाइक खरीद के फ्यूचर में BS6 पेट्रोल डालने से बाइक का FI इंजन में प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। BS मतलब यार मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, BS4 वर्सेस BS6 के अंदर आप देखो, और ये ऑक्टेन वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताया था, और कौन सी एक वीडियो अच्छी थी यार बीच में भूल रहा हूँ, उसके अंदर भी मैंने समझाया था ये, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई सी भी गाड़ी ले लो और उसके आगे वाला फ्यूल आप उसके अंदर डाल सकते हो, पीछे वाले फ्यूल में प्रॉब्लम आती है। मतलब BS6 लेके आप BS4 डाल रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है डीजल में, पेट्रोल में तो नहीं आ रही है, तभी तो पेट्रोल इंजन आ गए और डीजल नहीं आया, डीजल आया है तो ब्लू टैंक के साथ आया। दिल्ली वालों की दम भाई, मेरा भी सवाल ले लो यार, पल्सर 220 या पल्सर 180 है वैल्यू फॉर मनी? पल्सर 180 है वैल्यू फॉर मनी। आई एम रोस्ट हाय भाई, सेकेंड हैंड स्कूटर लेना है तो स्कूटर में अच्छे से देख के ही लूँगा,
लेकिन कौन से ब्रांड का लेना सही रहेगा? तो रस्ट भाई आपको जो है होंडा या सुजुकी का ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, वो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे। अगर सेकेंड हैंड आप परचेस करते हैं तो उनके इंजन रिलायबल हैं और सर्विस के लिए भी जो है ऑलमोस्ट सभी जगह सेंटर आपको मिल जाएंगे, पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे। तो मेरी तो मानना यही कि होंडा या सुजुकी का एक्सेस एक्टिवा सीरीज़ में आप जा सकते हैं। इनकेस अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो TVS के फिर जुपिटर भी आप सेकेंड हैंड में देख सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना है, क्योंकि लेकास बाइक स्कूटर से रिलेटेड इसी न्यूज़ रिव्यूज़ कंपेरिजन वाली वीडियो हिंदी में यहाँ पर मैं रोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू यू फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।